अब आप किसी हैसियत से मान लो, साधु जी से पूछ लेना, वो मैं साधु की हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूँ मंत्री पद से। ना, भवानी तो मेरी सदैव जागृत रहती है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जागी कि मैं अभी मंत्री पद पर काम करूं। नाम पूछकर फीता जा रहा है, ऐसी घटना कोई आई है तो हम गृह मंत्री और बीजेपी की जानकारी में डालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप हमको नाम दे दो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शराब के तत्व कुछ भी नाम बदल कर घटना को रूप दे सकते हैं। आप बहुत अच्छी बात है, तो खुद है भजन लाल सरकार बड़ी कार्रवाई करती है। कुछ नहीं कह सकते। मेरा इस्तीफा बरकरार है, इस्तीफे पर अड़े हूँ, मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए उन्हें आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। नहीं, ज्यादातर विधायक की उससे जा रहे हैं, कोई गलती हो गई होगी जल्दबाजी में, विधायक के लेटर पैड पर जा रहे हैं। ये तो सही है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। और मैं कौन सी फाइल बड़ी निकालती, जरा बता दो। अब आपदा की तो निकालनी पड़ेगी, फिर कौन निकालेगा? जहाँ सड़क टूट गई, जहाँ आदमी मर गया, जहाँ पशु मर गए, उनको तो तुरंत रिलीफ देने की जरूरत है। वो तो मैं इस्तीफा देने के बाद भी बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम के आया था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई इमरजेंसी है तो उसमें मैं काम करूँ। बाकी मैं मन से मंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया।